हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक्सटेंडेड वारंटी की, जो कि कार डीलर्स आपको ऑफर करते हैं जब आप नई कार खरीदने जाते हो शोरूम पे। तो जब भी आप नई कार खरीदने जाते हो तो कार डीलर आपको कई सारी एडिशनल एड ऑन चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं आपको, उसी में से एक एक्सटेंडेड वारंटी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सटेंडेड वारंटी होती क्या है, आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसमें कोई कैश तो नहीं है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, सारी चीज़ें हम आज डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप कार बाई करने जा रहे हैं तो आई थिंक आपको सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरा फ़र्ज बनता है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने समझा है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जब आप कार लेने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी कार पे वारंटी कितनी मिलती है। तो नॉर्मली कार्स पे 2 साल या 3 साल की वारंटी मिलती है, किलोमीटर्स किसी में 50,000, किसी में 70-80,000, किसी में 1 लाख किलोमीटर या किसी में थोड़ा उससे भी ज़्यादा। तो आप जो भी मैन्युफैक्चरर से अपनी कार बाई करने जा रहे हैं, जो भी आप उसकी कार खरीद रहे हैं, तो उस पर क्या वारंटी है, कितनी किलोमीटर की है, कितने साल की है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वारंटी आपका हो गया, दूसरा हो गया एक्सटेंड वारंटी। तो क्या है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं? सुनने में तो ऐसे ही लगता है कि आप वारंटी आपकी मान लीजिए 2 साल की है या 3 साल की है, और अगर आप एक्सटेंड वारंटी लेते हो तो आपकी वारंटी एक्सटेंड हो जाती है 4th ईयर या 5th ईयर के लिए भी, अगर आप 2 साल के लिए जाते हो। तो आपके लिए समझना ज़रूरी है क्या एग्जैक्टली सेम है या उसमें कोई डिफरेंस है। तो लेट मी टेल यू, उसमें डिफरेंस है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। आपका जो कार वारंटी होता है, जो ओरिजिनल कार के साथ आता है, उसमें ऑलमोस्ट आपकी पूरी गाड़ी कवर होती है, ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट कवर होते हैं। अगर मैं उनको बताऊँ कौन कौन से कंपोनेंट कवर होते हैं, तो आपका इंजन हो गया, ECU हो गया, रेडिएटर हो गया, AC हो गया, और आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स हो गया, इवन आपके पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, सस्पेंसन, टायर्स, इवन पेंट्स भी कवर होते हैं कुछ मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियों में। तो मतलब ऑलमोस्ट आपकी पूरी गाड़ी कवर होती है। तो वारंटी में अगर आप समझ रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपकी पूरी गाड़ी कवर हो रही है। लेकिन जब आप उस वारंटी के बाद एक्सटेंड वारंटी लेते हो, जो कि आपको सेलर बेचने की कोशिश करता है, डीलर आपको देने की कोशिश करता है, लेट मी टेल यू, उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। उसमें बहुत कम चीज़ें कवर होती हैं, मोस्टली उसमें आपका इंजन कवर होता है, ECU कवर होता है, और आपका गियर बॉक्स कवर होता है, कुछ गाड़ियों में रेडिएटर कवर होता है, कुछ में नहीं होता है। बाकी इसके अलावा अगर आप बात करें तो क्या कवर नहीं होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें इसके अलावा अगर आप देखें तो जो भी चीज़ें हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। लाइक म्यूजिक सिस्टम आपको कवर नहीं होता है, पेंट कवर नहीं होता है, टायर कवर नहीं होता है, तो काफ़ी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। और ये मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वेरी करता है। तो मतलब आपको मैं एग्जैक्ट कोई अभी लिस्ट नहीं बता सकता कि क्या क्या चीज़ें एक्सटेंडेड वारंटी में कवर नहीं होती हैं। उसके लिए आपको उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और उसे पूछना पड़ेगा क्या क्या कवर है, क्या क्या कवर नहीं है, और उनका जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि इसमें आजकल बहुत ज़्यादा घालमेल हो रहा है, तो आपको ये चीज़ बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कार की वारंटी पूरी पूरी एक्सटेंड हो रही है, तो आई थिंक ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे तो आपके आगे 2 या 3 साल के बाद आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। क्या क्या कवर होते हैं पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको एक्सटेंड वारंटी पे जाना है या नहीं जाना है। कुछ जनरल चीज़ें अगर बताऊं जो कवर नहीं होती हैं, तो लाइक ब्रेक असेंबली आपकी कवर नहीं होती है, आपका क्लच का जो पूरा सिस्टम होता है वो कवर नहीं होता है, कि टायर्स कवर नहीं होते हैं, आपकी बैटरी कवर नहीं होती है। इसके अलावा आपकी गाड़ी में अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन कराते हो, तो मॉडिफिकेशन के बाद मान लीजिए आपने टायर अपना अपसाइज करवा लिया, तो आपका अगर सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो हो सकता है उस टाइम पे मैन्युफैक्चरर बोल दे कि आपके टायर को अपसाइज कराने की वजह से आपका सस्पेंशन ख़राब हुआ है, तो वो भी कवर नहीं होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है, कि अगर आप एक्सटेंड वारंटी लेते हैं तो आपको अपनी गाड़ी, आपकी अपनी कार आपको रेगुलर सर्विस करानी पड़ेगी एज पर द शेड्यूल। अगर आप शेड्यूल से थोड़ा सा भी आप लेट हो जाएंगे तो बाद में मैन्युफैक्चरर हो सकता है कि आपकी एक्सटेंड वारंटी मना कर दे, वो बोल सकता है कि आपने सर्विस लेट कराई इसलिए प्रॉब्लम आ गई, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो आपको
अपनी गाड़ी टाइमली सर्विस करानी पड़ेगी और ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे ही सर्विस कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको कहीं से भी सर्विस करा लें, आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे ही सर्विस कराना पड़ेगा हर बार। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, अगर आप उसमें कोई आफ्टर मार्केट गाड़ी में काम कराते हो, जैसे आप कोई वायरिंग का काम कराते हो, कुछ कराते हो, और उसकी वजह से अगर गाड़ी में कहीं खुदा न खास्ता कुछ आग लग जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो भी आपकी वारंटी कवर नहीं होगी, आपकी वारंटी में कवर नहीं होगा, आपका मैन्युफैक्चरर आपको डिनाई कर देगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप गाड़ी ले रहे हो और आप आफ्टर मार्केट CNG लगवाने की बात कर रहे हो, तो तब भी आपकी गाड़ी की वारंटी वाइड हो जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी तो छोड़िए, जो आपकी ओरिजिनल वारंटी आती है वही वाइड हो जाती है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, आपको लगता है कि आप CNG लगवा सकते हैं, जैसे कि आजकल अभी पेट्रोल के रेट चल रहे हैं, तो उस केस में फिर आप एक्सटेंडेड वारंटी पर बिल्कुल मत जाइए। अब मेन मुद्दा आता है कि लोग कहते हैं कि जो मेन आप लोगों का क्वेश्चन आता है मेरे पास कि वारंटी लेनी चाहिए, एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो देखो दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी गाड़ी की रनिंग कितनी होने वाली है। अगर आपकी गाड़ी की रनिंग बहुत कम होने वाली है, आई थिंक आपको एक्सटेंडेड वारंटी पे जाने का उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी में वारंटी ईयर कम होगा और आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो उस केस में आप एक्सटेंडेड वारंटी पे जाने से अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आप लेना चाहें तो कुछ टाइम के बाद ले सकते हैं, मतलब साल दो साल के बाद भी ले सकते हैं। अब इसमें भी एक बात आती है, जब आप अपनी वारंटी बाद में लेंगे तो आपको जो वारंटी के चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको 20,000 पड़ रहा है, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको 25,000 या 27,000 में पड़े लेटेस्ट स्टेज। तो ये भी एक कैच है, जितनी बाद में आप वारंटी लेंगे एक्सटेंडेड, तो आपको उसकी प्राइस आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, बट समहाउ वहाँ पे आप निगोशिएट करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराना है बाद में, जैसे आप उसे म्यूजिक सिस्टम लगवा रहे हैं या CNG किट लगवा रहे हैं या कुछ वायरिंग आपको लग रहा है कहीं पे कट होगी, अगर ये सब कराना है तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी, अगर आपको लगता है कि आप कहीं रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपको हर बार सर्विस सेंटर पे जाके सर्विस कराना पॉसिबल नहीं होगा, आप कहीं अनऑथराइज सर्विस सेंटर से भी आपको सर्विस कराना पड़ सकता है, तो उस केस में भी आपको वारंटी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो आपको ऑथोराइज सेंटर सर्विस सेंटर में ही आपको काम कराना है, टाइमली आपको अपनी गाड़ी सर्विस करानी है, तभी जाकर के आप एक्सटेंडेड वारंटी पे जाइए। दूसरी बात, जब भी आप एक्सटेंडेड वारंटी लें तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत अच्छे से पढ़ें। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एक्सटेंडेड वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप शोरूम वालों डीलर्स के झांसे में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिए। एक्सटेंडेड वारंटी लेना ऑफ कोर्स बुरी बात नहीं है, आप ले सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी की रनिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं एक्सटेंडेड वारंटी, लेकिन उसमें क्या क्या कवर होता है, क्या क्या कवर नहीं होता है, वो सब चीज़ें आप अच्छे से पता कर लीजिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं एक्सटेंडेड वारंटी को लेकर के। अगर कुछ आपके और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।